होते हैं, किसान महिला पहले, किसान पुरुष बाद में। जब महिलाएं निकलेंगी ना रोड पे तो मोदी जी सतर्क हो जाए, समझ जाए मोदी जी कि अब उनकी बारी नहीं, किसानों की और महिलाओं की बारी। तो कोई ये कह रहा है ना कि ये एक लेडीज किसान नहीं होती, लेडीज किसान होती है। हम सारा काम करते हैं, खेतों में पानी देते हैं, खाद गिरते हैं। हमारे आदमी तो यहाँ पर आए हुए हैं, इनके आने के बाद पीछे में इसे हम खेतों में संभाल रहे हैं। खेतों में पानी देना है भाई, दर्शन लानी है, जो भी कुछ काम करना खेतों का सारा हमें कहा है। आदमी का कंधा मिला के चल रहा है, औरत साथ में खेत करे, खेत का काम करे। जब पुरुष बाहर काम करने चल जाते हैं तो एक खेतों में महिलाएं रोपनी सोनी कटनी करके जिंदा रहती है। तो जब कारपोरेट घराने के हाथों में खेती चल जाएगी तो स्वाभाविक है कि वहाँ उनको जो आज मजदूरी मिलता है उससे भी कम मजदूरी पर ही अंबानी अडानी हटाने का काम करेंगे। और जो अनाज अभी जो इनको राशन के रूप में मिलता है वो राशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि किसानों का अनाज खरीदारी नहीं होगा तो ये राशन भी नहीं देंगे। इसलिए ये महिलाएं समझती हैं और समझ करके आंदोलन कर आई हैं। जो तीन काले कानून हैं ये तो सबसे पहले वापस लिए ही जाने चाहिए। उसके तुरंत बाद संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए जिसमें खेती जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है इसके ये अगर संकट में है तो इसके ऊपर सबसे प्राथमिकता के स्तर पे बातचीत करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ महिलाओं के जीवन से जुड़े हुए भी, जो किसान महिलाओं के जीवन से जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर भी देश में एक विमर्श करने की जरूरत है। महिला किस चीज में आगे नहीं होती, सब क्या है, महिला के बिना राज भी नहीं चलता। महिला तो आदमी के साथ कंधे के कंधा मिलाकर इधर बैठेगी। जो मोदी है हमारी सुन ले, हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे तीनों कानून रद्द कर ले। तो हम अभी कहेगा तो हम अभी चले जाएंगे, और जे नहीं करेगा तो हम जहां ही बैठे रहेंगे। जो महिलाएं हैं वो 75% खेती करती है इस देश की, पूरा पशुपालन देखती हैं, पूरा दूध का धंधा देखती हैं। तो आप उनको किसान का दर्जा क्यों नहीं देते हैं? उनको किसान का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनको जो भी सहूलियतें किसानों को मिलती हैं, अरे 500 रुपये महीना ही मिल जाए उनको, जो बीमा है, जो बीज में उनको कुछ सहूलियत मिलेगी। और आज इतनी बुरी हालत है कि अगर कोई महिला किसान कर्जे के बोझ में आत्महत्या करती है तो उसके परिवार को मुआवजा भी नहीं मिलता है। जो भी करवा रहे हैं मोदी और अडवाणी वो कर रहे हैं, हम लोग बैठे अब करेंगे एकदम शक्ति से। डरने वाले नहीं हम किसी से, ना हम डरे और ना हम डरने वाले हैं, हम तो लड़ने वाले हैं। लड़के मरने वाले, शहीद होने वाले हैं, सरदार है। खेती का हमारा काम है, हमारी खेती को तो करेंगे क्या, क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। इसलिए हमें मजबूरी में यहाँ पर आके बैठना पड़ा, खुशी से नहीं बैठे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला घर चली जाए, ये उसी का सब महिले आज जाके उसको चेंज कर रही है। क्या आपने कहा था घर चली जाए, हम सब लोग घर वाले भी बाहर आ गए आज। इसलिए हमने ये कहा है कि महिलाओं की उपस्थिति तो दर्ज है और उनकी निष्ठा और उनकी कुर्बानी भी सब लोग देख रहे हैं, लेकिन इनकी मेहनत की भी पहचान होनी चाहिए। और मैंने किसान भाइयों से अपील की है, यहाँ से जीत के जाओ तो ये लड़ाई भी लड़ो और महिलाओं को किसान का दर्जा मिले, ये भी लड़ाई हमारे देश में होनी चाहिए। ये ना रेल बेच दी तो किसान भी बेच दिए, भाई बिजली बेच दे किसान भी बेच दे, किसान नहीं बेचेंगे। इसके तीनों कानून रद्द करवागा जब घर जाएंगे। ये जो हमारी सरकार ने एक मीठा फंदा बना के हमारे गले में डाला है, ये किसानों को परेशान करने का और उसको धीरे धीरे खींच के किसान को मारने का है, उससे बेहतर हम एकदम यहाँ बैठकर जब तक हमारा हक नहीं मिलता हम यहाँ मरने के लिए तैयार। किस लिए अपने हक लेने के लिए आए हैं, और यही हमारा काम है। मोदी काले कानून तीनों वापस करे हमारे उस पे, हमें पूरा रेट पे, हमें हमारी फसल उठाई जाए, हमें सही काम मिले, बस हम सही खुश होंगे। हम अपने घर जाएंगे, मोदी अपने घर बैठे आराम से। 13 दिसंबर से लगातार शाजापुर बॉर्डर पे किसान मोर्चा लगा हुआ है। सर्दी का मौसम भी निकला, बारिश का मौसम भी निकला और अब गर्मी का मौसम भी आ रहा है, उसकी भी यहाँ पे किसान आंदोलन में तैयारियाँ चल रही हैं। जो किसान यहाँ पे रह रहे हैं उसके लिए सभी प्रबंध किए गए हैं।
जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन में, यहाँ शाहजहाँपुर की बात करें कि किसान घर चले गए हैं, संख्या कम है, कटाई का टाइम चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार यहाँ किसानों का समर्थन है, किसान अपने भाइयों के लिए साथ खड़े हैं, कटाई में भी मदद कर रहे हैं, फसलों के लिए भी मदद कर रहे हैं, और यहाँ पर बैठे जो लोग बैठे हैं यहाँ धरने पर लगातार बने हुए हैं, उनके लिए भी वो सुविधाओं, चाहे पंखे की हो, कूलर की हो, या पानी की हो, फिल्टर की हो, तो लगातार वो दे रहे हैं। हमारी भागीदारी इतनी रहेगी कि अपने किसान भाइयों से सबसे आगे किसी भी तरीके का वो प्लान बना लें, उसमें सबसे आगे उनकी बहनें चलेंगी।